अपनी ही बहन के साथ प्रेम संबंध में था भाई, बहन की शादी के दिन चला दी गोली। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा थाने के देवकीनंदपुरा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर दोस्तों जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, परेशान है। दरअसल ये मामला चचेरे भाई बहनों का है। बताया जा रहा है कि 22 साल की श्यामलाल मीणा पुत्र रामूलाल मीणा को अपने चाचा की बेटी प्रियंका से इश्क हो गया और बस ये इश्क जहां पहुंचा है उसे जानकर हर कोई हैरान है। दोस्तों क्या आपके आसपास ऐसा कभी घटा है या आपको ऐसा पता चला है, तब आपने क्या किया है कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के प्यार के ऊपर आपकी क्या राय है ये भी बताएं। दोस्तों दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन रिश्ता ऐसा था कि समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करता। कारण ये था कि दोनों ही सगे भाइयों के बच्चे थे, उनको लेकर कई बार झगड़ा भी हुआ। दोनों परिवार पिछले एक साल से एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे। दोनों ही परिवारों में नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते थे। लड़की को हाथ से निकलता देख पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे और उन्होंने उसकी शादी 11 दिसंबर को तय भी कर दी थी। जी हाँ, आपको बता दे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि एक दिन उन्होंने खेत में मिलने का फैसला कर लिया। और आपको बताएं कि दोनों ने खेत में मिलने के बाद जो किया उसको जानकर आप वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों जी हाँ, बता दें कि दोनों ने बारी बारी से एक दूसरे को गोली मार दी। देर शाम तक जब लड़का घर नहीं आया तो लड़के के भाई ने उसकी तलाश शुरू की। 200 मीटर दूर दोनों गोली लगने की वजह से घायल अवस्था में मिले। दोनों परिवार के बीच में जो झगड़ा था उस वजह से जब लड़के के घर वालों ने दोनों को घायल अवस्था में देखा तो अपने भाई को तो ठाकर ले गए लेकिन लड़की को उन्होंने वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। ये मामला परिवारों का था, ऐसे में लड़की को हाथ लगाने से ज्यादा उन्होंने पुलिस को बताना सही समझा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने लड़की को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया और फिलहाल दोनों जीवित हैं, उनका इलाज चल रहा है। मौके पर कट्टा भी मिला है। और ऐसे में दोस्तों इस तरह की लव स्टोरी के लिए क्या कहेंगे आप? क्या इन्हें अलग करना सही है या इनकी शादी हो जानी चाहिए? दोनों अभी जीवित हैं। आप अपनी राय इस बारे में जरूर दें। धन्यवाद।